तो बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो तो छोटी कंपनी में जल्दी नौकरी मिल जाती है या बड़ी कंपनी में जल्दी नौकरी मिलने के चांसेस रहते हैं, एक्चुअली में जो जॉब है वो किस बेसिस पे ज़्यादा हायरिंग हो जाती है, स्मॉल कंपनीज़ वर्सेस बिग कंपनीज़ द हायरिंग प्रोसेस। ज़्यादा टाइम में लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों पहले मैं बताऊंगा छोटी कंपनीज़ के बारे में, लाइक जहाँ पे 100, 200 या 300, 400 एम्प्लॉय होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आप आज फ्रेशर भी जा रहे हो तो उन्हें लगता है कि वो सिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो बता सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें सेलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है इन कंपेयर टू ब्रांड कंपनी। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे एक छोटी सी कंपनी होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, और इनमें से एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 3 से 4 कंपनी छोड़ दिया तो वो प्रीवियस टू प्रीवियस कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छोटी कंपनी में ये एक बेनिफिट होता है। और हायरिंग की अगर मैं बात करूँ तो छोटी कंपनी में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा सा नॉर्मल एम्प्लॉय पाए जाते हैं। लाइक अगर एचआर टीम होगी तो भी 2-3 की होगी, या जो वहाँ का इंटरव्यूअर होगा वो भी, मतलब कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होगी भी या नहीं भी होगी वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन समझ के आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं। बस क्या है कि उनका टारगेट पूरा होना चाहिए, बाकी सिखा देते हैं 10 दिन 15 दिन में, तो उतना प्रोसेस अपना निकलवाते रहते हैं। तो ये होता है जो फाइनल। दोस्तों अब मैं बात करूँगा बड़ी कंपनीज़ के बारे में। बड़ी कंपनीज में हायरिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दोस्तों कई कंपनीज ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। पहले उनका एग्ज़ाम दो, फिर फर्स्ट राउंड क्लियर करो, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, यानी कि ऐसा होता है। लाइक ग्रुप डिस्कशन भी करवा देंगे, कम्युनिकेशन का अलग होगा, टेक्निकल का अलग होगा, ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके सब एक में आ जाती हैं। इनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जॉब मिलना इन कंपेयर टू स्मॉल कंपनीज़। इसका एक बेनिफिट और एडवांटेज भी होता है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग हो गए, आप वहाँ से जब भी कभी छोड़ के जा रहे हो नेक्स्ट कंपनी में तो एक गुड पैकेज के साथ आपको वहाँ पे मिल जाती है जॉब। एंड दोस्तों क्या कि एक जो जॉब होती है वो भी एकदम 100% सिक्योर होती है। हालांकि छोटी कंपनीज में भी सिक्योर होती है, लेकिन इन कंपेयर टू इसमें ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी मिलती है, और जो इंक्रीज वगैरह का है वो भी अच्छा खासा मिलता रहता है। ये बात थी कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉय की, यानी कि अगर आप ऑन रोल जा रहे हो। अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी की, तो जो छोटी कंपनी है ना उससे भी वो नीचे आ जाती है। तो लाइक जो थर्ड पार्टी के पेरोल पे जाते हैं या वेंडर के थ्रू वहाँ पे जाते हैं, तो ये समझ लो कि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बड़ी कंपनीज में भी सेलेक्ट होने के, अगर आप ऑन रोल नहीं जा रहे हो। क्योंकि बेसिकली बड़ी कंपनी में क्या, आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, वहाँ पर बैठ के टेक्निकल जो डिस्कशन होता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, कई बार एग्ज़ाम वगैरह। तो दोस्तों फाइनली यही है कि छोटी कंपनी से आपके जल्दी सिलेक्शन हो जाते हैं। आप अगर अभी फ्रेशर हो तो छोटी मिले, बड़ी मिले, या कैसी भी कंपनी हो, जस्ट उसे ज्वाइन करो, और आप चाहो तो 6 महीने के बाद कंपनी चेंज कर सकते हो, कंपनी छोड़ सकते हो, और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कंपनी जो नेक्स्ट होती है वो जल्दी अपॉर्चुनिटी देती हैं, या आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी जल्दी से मिल जाती है। तो वही चीज़ें हैं फाइनली कि छोटी कंपनी में थोड़ा जल्दी हो जाता है, और जो MNC कंपनी है उनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। तो मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।